नमस्कार दोस्तों, विवेक टी हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार और मेरे पास है यहाँ पर रेडमी 7 और रेडमी वाई 3। मैं करने वाला हूँ दोनों ही फ़ोन का फुल कंपेरिजन। फुल कंपेरिजन के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं डिस्प्ले से। तो दोनों ही फ़ोन में आपको मिलती है 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले। वाटर ड्रॉप नोच आपको दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले के साथ अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सीधा चलते हैं यहाँ पर हम सेटिंग में और जाकर चेक करते हैं दोनों ही फ़ोन में क्या हार्डवेयर आपको यहाँ पर मिलता है। तो अबाउट फ़ोन में जाकर आप देख पाएंगे दोनों ही फ़ोन यहाँ पर पाई ओपनिंग सिस्टम पर बेस्ड हैं। और साथ ही बात करें अगर प्रोसेसर की, तो दोनों ही फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 632 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। साथ ही दोनों ही फ़ोन में 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जिसमें से लगभग 22 GB यूज करने के लिए आपको मिलेगा बगैर एक भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज किए हुए। दोस्तों ये दो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात बात करें कैमरे की, तो रेडमी 7 में आपको मिलता है 12+2 MP का रियर कैमरा, साथ ही 8 MP का फ्रंट कैमरा। वहीं Y3 में मिलता है 12+2 MP का रियर कैमरा, साथ ही 32 MP का आपको मिलता है इसमें फ्रंट कैमरा। साथ ही कुछ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दोनों ही फ़ोन में। ब्यूटी मोड्स के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, फ़ोटो में फ्लैश का ऑप्शन मिल जाएगा, HDR, AI और ये कुछ फिल्टर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही ब्यूटी मोड का ऑप्शन, ग्रुप सेल्फी का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों बात करें अगर वीडियो की यहाँ पर, तो स्लो मोशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, टाइम लैप्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही फुल HD तक का वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर रेडमी Y3 के कैमरे से। और बात करें रेडमी 7 की, इसमें भी आपको मिल जाएगा वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, स्क्वायर और प्रो मोड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ फिल्टर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ब्यूटी मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और फ्लैश का ऑप्शन मिल जाएगा, HDR, फिल्टर्स, AI का ऑप्शन इसमें भी आपको दिया हुआ है, ब्यूटी और ग्रुप सेल्फी का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें दोस्तों वीडियो की, तो वीडियो में आप यहाँ भी स्लो मोशन का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, टाइम लैप्स का ऑप्शन है, साथ ही फुल HD तक का वीडियो आप इसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करें अगर Redmi 7 के फ्रंट कैमरे की, तो 8 मेगापिक्सल का आपको मिलता है फ्रंट कैमरा। साथ ही कुछ मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, फोटो, प्रो मोड, पोर्ट्रेट, स्क्वायर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर और साथ ही कुछ फिल्टर्स और HDR मोड, फ्लैश का ऑप्शन मिल जाएगा, फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही इसमें ब्यूटी मोड आपको कैमरे पर ही दिया हुआ है, ऑन स्क्रीन सेटिंग्स में जाकर नहीं निकालना पड़ेगा आपको। साथ ही बात करें पोर्ट्रेट फोटो मोड की, तो फ्लैश, HDR, फिल्टर्स और ये पाल्म शटर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि अपना हाथ आप पाल्म दिखाकर सेल्फी किससे कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही ब्यूटी मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, एडवांस ब्यूटी मोड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और बात करें अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फुल HD का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप इसके भी फ्रंट कैमरे से। तो दोस्तों बात करें Y3 के फ्रंट कैमरे की, तो Y3 का फ्रंट कैमरा जो है वो इसकी हाईलाइट 32 MP फ्रंट कैमरा मिलता है आपको Y3 में। और साथ ही वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, स्क्वायर, पेनोरोमा, ये सारे मोड्स आपको इसमें भी देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही फोटो मोड पर फ्लैश, HDR, AI का ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ फिल्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, साथ ही ब्यूटी का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ फिल्टर्स और सारे मोड्स आपको, पाल्म शटर का ऑप्शन यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा, ब्यूटी मोड आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें वीडियो मोड की, तो वीडियो में स्लो मोशन आपको फ्रंट कैमरे में नहीं मिलता है, साथ ही फुल HD तक का वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं Y3 के फ्रंट कैमरे से। तो दोस्तों ये तो कोई दोनों ही फ़ोन के कैमरे की बात। अब बात करें कुछ इसमें प्रीलोडेड एप्लीकेशन की, दोनों ही फ़ोन में समान प्रीलोडेड एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, पेटीएम और शेयर चैट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही कुछ मोर एप्लीकेशन में आप जाएंगे, तो यहाँ पर अमेजोन, फेसबुक, डेली एंड, ओपेरा न्यूज़ और ओपेरा मिनी का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों बात करें अगर हम इसके कुछ एडवांस फीचर्स की, तो वो भी दोनों में ही लगभग लगभग सेम है। ऐप लॉक आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोनों ही फ़ोन में, डुअल ऐप दोनों ही फ़ोन में देखने के लिए मिल जाएगा। एडिशनल सेटिंग में आप जाएंगे, तो यहाँ पर भी कुछ आपको कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये बटन और जेस्टर शॉर्टकट्स हैं जिसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं दोनों ही फ़ोन में। दोनों ही फ़ोन में बिल्कुल सेम आपको फीचर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही बात करें यहाँ पर हम सेकंड स्पेस दोनों ही फ़ोन में है। लॉक स्क्रीन और पासवर्ड की बात करें, तो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों में ही है, दोनों का ही फेस लॉक और फिंगरप्रिंट कमाल का वर्क करता है।
अब दोस्तों बात करें अगर प्राइस की, तो रेडमी 7 जहाँ 3 GB 32 GB वेरियंट आपको मिलता है 8,999 रुपये में, वहीं रेडमी Y3 आपको मिलता है 9,999 रुपये में। दोनों ही फ़ोन में सेम फीचर्स हैं, केवल एक 32 MP फ्रंट कैमरे का यहाँ पर डिफरेंस है। तो दोस्तों ये था हमारा रेडमी Y3 और रेडमी Y7 के बीच स्पीड टेस्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।